हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बोर्ड एग्जाम पास आ चुके हैं और मैं बहुत लेट हूँ आप लोगों को पढ़ाने में, क्यों? क्योंकि बीच में काफी लंबा ब्रेक हो चुका है और वीडियो नहीं आई है। देखिए, एक्चुअल में दो चीजें थी। सबसे पहला मेरा PhD, उसको लेके काफी ज्यादा हेक्टिक लाइफ स्टाइल चल रहा था और बहुत ज्यादा टाइम मुझे अपनी टीचर वगैरह में देना पड़ रहा था, जिसके कारण मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रहा था। दूसरी चीज, अब वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, पर क्या हो गया अगर हम थोड़ा सुस्त आए? तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज से अपना पहला चैप्टर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले मैक्रो खत्म करते हैं, फिर उसके बाद एरियल भी निपटाया जाएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन में आप सभी जानते हैं कि मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, ये पुराने लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सीधा हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। हमारा चैप्टर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू होता है वो होता है नेशनल इनकम, पर उससे पहले हम बात करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल। सबसे पहली चीज, जब आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो आपको समझना है कि गुड्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहली चीज ये है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्या कह रहा है? Countless number of goods are produced and consumed in the economy. These are like shoes, shirts for the students or children, machines, tools for the farm and firm, gun, ammunition, etc. देखो, एक सिंपल सी बात ही आपको बुक में जो बताना चाह रहा है कि बहुत सारी प्रकार की गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, लेकिन ये गुड्स दो तरीके से क्लासिफाई रहती है। एक होती है कंज्यूमर गुड, एक होती है कैपिटल गुड। क्या होती है बच्चा? कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड में क्या, फाइनल गुड और कंज्यूमर गुड, या इसी में फाइनल गुड के साथ रहती है इंटरमीडिएट गुड और इधर आती है कैपिटल गुड। जब हम किसी फाइनल गुड की बात करते हैं, देखिए, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज, मतलब उनके अब मूल ढांचे में और बदलाव नहीं किए जा सकते, मतलब कि अब उसकी शेप, साइज और फिगर में कोई और चेंज नहीं आ सकता, वह बनके पूरी तरह तैयार है, उसे कहा जाता है फाइनल गुड। क्या कहा जाता है? इसके बाद आती है इंटरमीडिएट गुड। देखिए, इंटरमीडिएट गुड की जब हम बात करते हैं, मतलब जैसे अगर आपको कोई आउटपुट चाहिए तो आपको उसके लिए इनपुट डालना पड़ेगा, कहते ना आउटपुट नीड इनपुट। अगर मैं ये मार्कर बनाना चाहता हूं, मुझे क्या क्या चाहिए? प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए, रबर चाहिए, फाइबर चाहिए, है ना, इसके साथ लेबर चाहिए, मशीन चाहिए। तो ये जो भी रॉ मटेरियल की बात करेंगे, रॉ मटेरियल, मशीन और लेबर हमारी कैपिटल गुड में चली जाएगी। जब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल की, तो वो मेरा इंटरमीडिएट गुड में आएगा। किसमें आएगा? इंटरमीडिएट गुड में। उसके बाद जब हम बात करते हैं कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड, देखो जब आप किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, अब जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं डेली ये मार्कर यूज कर रहा हूं, मेरा ये कंजम्पशन है, ये मेरे लिए कंज्यूमर गुड है। जो गुड उसके एंड यूजर के पास पहुंच जाए और एंड यूजर कंज्यूम करने के लिए रेडी हो, उसे कहा जाता है कंज्यूमर गुड। सेम वैसे ही कुछ होती है कैपिटल गुड। अब देखिए, जैसे कि एक नॉर्मल हाउस होल्ड सेक्टर में या एक पब्लिक नॉर्मली कुछ चीजों को कंज्यूम करती है, वैसे ही प्रोड्यूसर भी कुछ चीजों को कंज्यूम कर रहा है। अब आप कहेंगे कैसे प्रोड्यूसर कैसे कंज्यूम कर रहा है? देखो, जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे ही प्रोड्यूसर भी कहीं पर कंज्यूमर है। समझ रहे बात? कैसे? अब मान लो एक कंपनी है जो ट्रैक्टर्स बनाती है। अब ट्रैक्टर बनाने में क्या वो सब कुछ बनाएगा? ट्रैक्टर में टायर लगते हैं वो किसी और कंपनी के होते हैं, नहीं होते? सीएट के कह लो, MRF के कह लो। तो प्रोड्यूसर ये चीजें कंज्यूम कर रहा है नहीं कर रहा? मशीन यूज की जाती है, प्रोड्यूसर मशीनों को कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा? जब प्रोड्यूसर किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है और अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, तो उन चीजों को कहा जाता है कैपिटल गुड। कोई दिक्कत? इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें बुक में क्लासिफाई किया गया है फाइनल गुड्स के बेसिस पे। क्या? दीज आर दोज गुड्स विच आर क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एंड यूजर के पास पहुंच चुकी है। आगे देखिए, इसी में क्या कह रहा है? दीज आर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू द फाइनल गुड्स ऑफन क्लासिफाइड। फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, जरा समझते हैं इसको आगे क्या कह रहा है। यहाँ पर फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर गुड्स विच आर रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, बस बनाते में खाते जाते ही होंगे। दूसरी चीज क्या कह रहा है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड, एग्जाम्पल
ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर आर यूज बाय द फार्मर्स। अब देखिए फार्मर भी खेती कर रहे हैं, किसान है, वो मेन उनका आउटपुट फसल है, लेकिन उस फसल के आउटपुट के लिए वो हार्वेस्टर यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, तो ये उनके लिए क्या बन गया, कैपिटल गुड। क्या बन गया बच्चा, कैपिटल गुड। क्लियर है, आगे देखते हैं क्या कह रहा हमसे, व्हाट डू वी मीन वी से दैट फाइनल गुड्स हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इन्होंने खुद ही एक क्वेश्चन क्रिएट किया है, जब फाइनल प्रोडक्शन की लाइन क्रॉस कर दी, मतलब फिर से वही बात, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में अब कोई चेंज नहीं हो सकता। देखिए मेरे पास एक कपड़ा पड़ा है, मैं उस कपड़े को चाहूं तो शर्ट में सिलवा लूं, चाहूं तो कोट बनवा लूं, और चाहो तो मैं उस कपड़े की टी शर्ट बनवा लूं, लेकिन अगर उस कपड़े को एक बार शर्ट के रूप में काट दिया गया और अब मुझसे कोई कहे कि नहीं इसको वापस सिल के पैंट बनाइए, क्या वो पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि उसके मूल ढांचे में बदलाव हो चुका है और अब वो शर्ट के रूप में सिला जा चुका है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं और क्या कह रहा है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। देखिए क्या कह रहा जा रहा है इंटरमीडिएट गुड में, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव येट नॉट क्रॉस प्रोडक्शन लाइन, मतलब अभी इनमें बदलाव किया जा सकता है। मतलब अभी मेरे पास कपड़ा रखा है, मैंने काटना शुरू किया है, तो अगर मेरे पास ऑर्डर आया कि अभी रुक जाइए, उसे चेंजेस आ रहे हैं डिजाइन में, या शर्ट जो है अब उसको शर्ट नहीं टी शर्ट के रूप में बनाना है, अभी हमने सिर्फ दो फ्रंट और बैक साइड काटी है, अगर कॉलर नहीं लगाएंगे तो वो कॉलर लेस शर्ट हो जाएगी, या टी शर्ट क्या लीजिए बटन नहीं लगाएंगे, कंबाइन साइडों से सिल दिया जाएगा, और बीच से काट के सिल दिया दो पल्लों में तो शर्ट बन जाएगी। उनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, वो हमारी इंटरमीडिएट गुड है। जैसे मम्मा ने सुबह चावल भिगो के रख दिया रसोई, ठीक, अब चावल से हो सकता है इडली बन जाए, या हो सकता है चावल के आटे को पीस के उसकी रोटियां बन जाए, या हो सकता है कि चावल के आटे से वो इस टाइप के बिस्कुट बनाए जाते हैं, जो एक फेस्टिवल होता है छठ पूजा, उसमें ज्यादातर बिहारियों फैमिलीज में जो बनाते हैं वो बनाते हैं, तो हो सकता है वो बनाया जाए, या कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, अभी ये डिसाइडेड नहीं है, तो ये हमारी इंटरमीडिएट गुड है, अभी इन्होंने प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस नहीं किया है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स आर गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन में है और इनमें चेंजेस होना पॉसिबल है, लेकिन अगर एक बार इन्होंने प्रोडक्शन लाइन क्रॉस कर दी उसके बाद इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता, वो बन जाएगी फाइनल गुड। क्या बन जाएगी, गुड। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, सम गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, कुछ गुड फाइनल होती हैं और कुछ गुड इंटरमीडिएट भी हो सकती है, फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आप लोग सोचिए क्या हो सकता है, इतना ज्यादा परेशान मत हो, देखो क्या कह रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम सेट ऑफ गुड फाइनल गुड और अनदर सेट इज इंटरमीडिएट गुड, द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, डिसीजन डिपेंड ऑन द एंड यूज। मतलब अब देखिए अगर आप कार का शोरूम खोल रहे हैं, क्या खोल रहे हैं, और आपने कंपनी से बहुत सारी कार्स मंगा के अपने शोरूम में रख दी, तो आप अभी उसे आगे बेचना चाहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, हाँ या ना, लेकिन आप गए और आपने कार खरीद ली और आप घर ले आए और उसे चला रहे हैं, तो जब आप उसे खरीद के ले और खुद चलाने लगे तो वो आपके लिए बन गई फाइनल गुड, लेकिन जब तक वो शोरूम में और आप उसे रीसेल पर्पज से यूज कर रहे हैं, बहुत सारी गाड़ी आपके शोरूम में लोग आते हैं खरीद के ले जाते हैं, तो आपके लिए वो इंटरमीडिएट है और आफ्टर सेल होने के बाद वो फिनिश गुड बनती है। तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करना कि ये फाइनल है और फिक्स है, ये पॉसिबल नहीं, ये डिपेंड करता है एंड यूज पे, वो यूज कौन कर रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बच्चे क्या कह रहा है, वॉट मैटर इज द एंड यूज ऑफ गुड, एंड यूज ऑफ गुड में क्या चीज मैटर करती है, जरा इसको समझिए, क्या व्हाइल क्लासिफाइंग गुड्स एज फाइनल और इंटरमीडिएट व्हाट मैटर इज द एंड यूज ऑफ गुड, यू आर टू चेक व्हाट एंड यूज ऑफ गुड। देखिए एंड यूज ऑफ गुड क्या है, मेरे पास मोहल्ले में एक शॉपकीपर है, मैं उसके पास गया, मैंने उससे मार्कर लिया, जब तक ये मार्कर उसके पास था वो एंड यूज नहीं था, अब मैं ले आया, मैंने इसकी सील तोड़ी और मैं इसे यूज करने में ले आया,
अब क्या मैं इसे दोबारा यूज करने के बाद पैक करके सील लगा के दुकान वाले को दे के आ सकता हूँ, किसी और को बेच देगा? जी नहीं। अब ये एंड फाइनल यूजर ने खरीद लिया है, तो ये एंड यूजर, ठीक है। जब कोई भी चीज एंड यूज में आ जाए, आप लोग सुबह दुकान वाले के पास जब तक ब्रेड है वो एंड यूज पे नहीं, पर ब्रेड घर में आई और मम्मी ने ब्रेड को सेक के टोस्ट बना दिए, क्या बन गया? एंड यूज हो गया। अब आप उसे चाखट खाने में लगे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिये यहाँ पर हमें डिफरेंस बताया गया है बच्चों, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड का डिफरेंस। आपकी बुक में भी सेम ऐसे ही दिया गया होगा, तो ट्राई कीजिएगा कि कोई भी तीन तीन चार चार डिफरेंस याद रखी। जरा एक बार नगा मान लेते हैं, क्या दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन? इंटरमीडिएट गुड बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करती, फाइनल गुड बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाती है। दे गुड मे बी यूज एज रॉ मटेरियल, दे गुड आर नॉट यूज एज रॉ मटेरियल एंड टर्न दीज गुड्स मे बी रिसोल्ड बाय द फर्म। फर्म इन्हें दोबारा बेचने के लिए यूज कर सकती है, लेकिन दीज गुड्स आर नॉट रिसोल्ड बाय द फर्म। मतलब मैं गया, मैंने एक मार्कर ले लिया और मार्कर की पैकिंग फाड़ के मैंने इसे यूज करना शुरू कर दिया। अब क्या मैं किसी और को बेच सकता हूँ कि कोई कोचिंग वाला दूसरा आया, मैंने ये लीजिए मार्कर खरीद लीजिए? पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये किसी ने नहीं। अब कोई दुकान से जाके नया खरीदेगा भाई, 20 रुपए का मार्कर 18 रुपए को मुझसे क्यों खरीदेगा जब मैं यूज कर चुका हूँ? एनी डाउट? जब भी सेकंड टाइम सेल किया जाए तो उसे सेकंड हैंड सेल कहा जाता है, वो यूज गुड की बात हो जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तीन तीन डिफरेंस सफिशियंट रहेंगे आपके लिए, इससे ज्यादा आपको उसमें याद करने की जरूरत नहीं। और अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली बन सकते हैं, ठीक। बच्चों देखिए अब आपसे आगे क्या कह रहा है, कंजम्पशन गुड और कंज्यूमर गुड, ठीक है। इनको चार तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। पहला ड्यूरेबल, चीजों की ड्यूरेबिलिटी के बेसिस से आप उन गुड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए ड्यूरेबिलिटी क्या, कोई चीज कितनी ज्यादा चल रही है और कौन चीज कितनी कम चल रही है, कौन सी ज्यादा ड्यूरेबल है और कौन सी कम ड्यूरेबल है। मतलब अब जैसे मान लीजिए मैंने ये व्हाइट बोर्ड खरीद रखा है, ये व्हाइट बोर्ड एक बार पढ़ाने के बाद बेकार हो जाएगा, इसको तोड़ के फेंकना पड़ेगा, फिर दोबारा नया लाने, क्या ये यूज एंड थ्रो है? नहीं, ये लंबा चलेगा, है ना। ये क्या है, ड्यूरेबल गुड्स में आएगा, कितना आएगा? और सेमी ड्यूरेबल, जो कुछ समय तक चले। जैसे आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि मम्मियां कुछ क्रॉकरी सेट छुपा के रखती है, जब कोई बहुत सारे बाहर से गेस्ट आते हैं तब आपको उन बर्तनों को देखने का मौका मिलता है, या नहीं? ये सेमी ड्यूरेबल है कि वो सिर्फ गेस्ट आने पर ही निकलती। अच्छा क्यों? क्योंकि अगर टूट गई तो वो बेकार, और फिर आपके ऊपर टूटेगी मम्मी की चप्पल, ना। ये सेमी ड्यूरेबल है, जो थोड़ा सा चल जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा भी चल जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल नहीं चलते हैं। चाइना का माल चल गया 100 दिन, ना चला 2 दिन। आगे नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मान लीजिए बच्चे आप दूध लेके आए, दूध की लाइफ स्पैन जो पैकेट वाला आता है उसमें लिखा होता है कि आप आज खरीद रहे हैं तो मैक्सिमम दूध है ना कंज्यूम विद इन 2 डेज, 2 दिन के बाद वो बेकार हो जाएगा। क्या आप लोग ऐसा करते हैं कि दूध ला के फ्रिज में रख दिया, आप 10 दिन बाद उबाल लें, दूध फट के पनीर बन जाता है, या नहीं? यानी कि वो नॉन ड्यूरेबल है, ज्यादा लंबे समय तक सर्दियों में दूध खरीद के रखा और घर पे हुए भी उसी दूध की चाय पी रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, वो नॉन ड्यूरेबल है। अच्छा नॉन मटेरियल गुड, अब देखिए वह गुड जिनमें मटेरियल ना हो, मतलब सर्विस, मैं पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को कोई सामान नहीं देता हूँ कि ये लो बेटा 2 किलो इकोनॉमिक्स तुम ले जाओ, ये लो बेटा 10 किलो अकाउंट तुम ले जाओ, ना। मैं बच्चों को सर्विस दे रहा हूँ, और जिस सर्विस को आप, सर्विसेस क्या होती है, जिनको आप फील कर सकते हैं लेकिन छू या देख नहीं सकते। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे कंसल्टेशन लेता है, आपकी बात समझता है, कंसल्टेंसी देता है, वो सर्विस दे रहा है, वो सामान थोड़ी, सिर्फ कंसल्टेंसी चार्ज देते हैं, जैसे सीए लॉयर ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेबल गुड्स आर गुड्स विच आर यूज फॉर सेवरल ईयर्स, यही बेसिक अंतर है। बहुत समय तक, जैसे पापा का टीवी है, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, तो लंबे समय तक चले। सेमी ड्यूरेबल क्या है, दीज गुड्स आर नॉट वेरी हाई वैल्यू लाइक क्लॉथ, फर्नीचर, कुकर, इलेक्ट्रिक गुड्स एक्सेट्रा, क्लियर है। और फिर जब हम बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर कंजम्पशन गुड्स उस विच आर यूज अप फॉर मैक्सिमम 1 or 2 days, इससे ज्यादा के लिए उन्हें यूज नहीं किया जाएगा। सोचिए मम्मी ने सुबह रोटी बनाई थी, ज्यादा से ज्यादा दोपहर में खा लो, और हद से हद रात में खा लोगे, है ना। लेकिन ये थोड़ी कि मम्मी ने सुबह सोमवार को रोटी बना के रख दी और हफ्ते भर अब वही रोटियां चल रही है ना, है नहीं?
चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कैपिटल गुड्स को। देखिए जब एक प्रोड्यूसर, एक फर्म या कोई कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट में कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वह सभी उसके लिए कैपिटल गुड के रूप में ट्रीट की जाएगी। किसके रूप में? कैपिटल। जैसे अब आपको फैक्ट्री खड़ी करनी, मान लो मुझे एक मिनरल वाटर का प्लांट लगाना है, मैंने अपनी कंपनी क्रिएट करनी है कि मैं मिनरल वाटर बेचूं, भाई मुझे उस वाटर को प्योरीफाई करने के लिए पूरा एक प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, मशीनें यूज होंगी या नहीं होंगी, उन मशीन को क्या कहा जाएगा मेरे लिए? कैपिटल गुड। जरा देखिए क्या कह रहा है, गुड आर फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। ये सभी प्रोड्यूसर की क्या होंगी बच्चा? फिक्स्ड एसेट। जैसे प्लांट मशीनरी आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स, दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर ईदर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक और फॉर एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक। कोई दिक्कत है? इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। All capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. बस ये बहुत important चीज है और CBSE और ICSE में कभी कभी ये statement देके आपसे comment मांग लिया जाता है। इसको justify कीजिए कि क्या सभी capital goods producer goods हैं? लेकिन सभी producer goods capital goods नहीं है। How? तो बहुत सिंपल सी भाषा में देखिए आपको समझाया गया क्या कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड। हाँ देखो कैसे, जितनी भी मशीन है, प्लांट है, जो भी कुछ अगर यूज हो रहा है बिजनेस, वो सभी कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड कहलाएगी, बिल्कुल सही। लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड, जैसे अब एक कारपेंटर है, उसने लकड़ी खरीदी और उससे फर्नीचर बनाया, ठीक है ना, लकड़ी को काटा, फर्नीचर बना दिया, लकड़ी जो वुड उसने खरीदी है यहाँ पर वो उसके लिए प्रोड्यूसर गुड है, बिल्कुल है, लेकिन वो लकड़ी उसके लिए कैपिटल गुड नहीं है। लेकिन उस लकड़ी को काटने में जो मशीन यूज की गई वो उसके लिए कैपिटल गुड है। मशीन बार बार यूज होगी, उस मशीन से बहुत सारी, उस आरी से बहुत सारी लकड़ियां काट सकता है, बहुत सारी वुड काट सकता है, लेकिन उस वुड से बार बार फर्नीचर नहीं बना सकता। वुड को काट के एक बार सोफा बन गया, अब सोफे को दोबारा से लकड़ी को चिपका कुछ और बनाया जा सकता है क्या? नहीं। जो लकड़ी यूज वुड यूज कर रहा है वो सिंगल यूज गुड है, नॉन ड्यूरेबल। क्लियर है बात? यानी हम कह सकते हैं कि सभी कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड हो सकती है, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं हो सकती है, ये आप याद रखिएगा। एग्जांपल लेके आइएगा जो अभी मैंने आपको दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हुए अब हमें डिफरेंस दिया गया है कैपिटल गुड और कंजम्पशन गुड के बीच में। क्या कंजम्पशन गुड लीड टू द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट, बट कैपिटल गुड डू नॉट सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर खरीद के लाया, ब्रेड कंज्यूम करी, पेट भर गया, लेकिन ब्रेड को बनाने में जो प्रोसेस यूज हुआ, जो मशीनें यूज हुई, जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है ना, वो प्रोड्यूसर गुड में आएगा। इसीलिए कह रहा है कैपिटल गुड कभी भी ह्यूमन की वॉन्ट को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता, बट कंजम्पशन गुड ह्यूमन की वॉन्ट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। दूसरी चीज क्या कह रहा है, दीज गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड वेन परचेज। जब आप खरीदोगे तभी तो ब्रेड खाओगे, ऐसे चिना के लेके आओ तो बेटा ब्रेड के साथ दो चीजें गरम गरम बिना मुंह चलाए खाने को और मिलेगी, थप्पड़ और दूसरे ना दुकान में मारेगा। आगे देखो, दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम बाय हाउस होल्ड। जैसे मशीन, अब ब्रेड बनाने के लिए आटा गूंथना पड़ता, हमने एक बड़ा सा ब्लेंडर लिया जिसमें 50-60 बोरे मैदा के रॉ फ्लावर कॉर्न फ्लावर डाल के उसको घुमाया जा रहा, वो हाउस होल्ड तो खरीदेगा। समझ आ रही है बात? डाउट है? आगे बढ़िए। फिर आता है हमारा कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब पहली चीज आप अभी बहुत साधारण भाषा में बताइए कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। कि अब हम बात करते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? सबसे पहली चीज, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करता कौन है? क्या कह रहा है? इन माइक्रो इकोनॉमिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब टोटल कितना खर्चा एक इकोनॉमी में किया जा रहा है कंजम्पशन के लिए, वो कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहलाता है बच्चों? कंजम्पशन। अब देखिए ये तीन है, कौन कौन? प्रोड्यूसर भी खर्च करता है, हाउस होल्ड भी खर्च करता है और गवर्नमेंट भी खर्च करती है। तो हम इन तीनों को ही अपना जो कंजम्पशन करने वाला है कंज्यूमर कह सकते हैं। यहीं पर देखिए पूछ रहा हूं आपसे, हु आर द कंज्यूमर इन द इकोनॉमी। तो इसमें तीन लोगों को ब्रॉडली क्लासिफाई किया है, पहला हाउस होल्ड, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन।
लाइक एनजीओ, टेम्पल, मॉस, गुरुद्वारा एक्सेट्रा, ये सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। अब जैसे हम हाउस होल्ड सेक्टर की बात करें, आप और हम इकोनॉमी में कंज्यूम करते हैं या नहीं करते हैं? बात करें हाउस होल्ड बाय कंज्यूमर गुड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वॉन्ट्स एंड गवर्नमेंट कंज्यूम गुड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेस फॉर मिड डे मील एक्सेट्रा। गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, वहां पर बच्चों को एक वक्त का खाना दिया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा चार्ज कर रहे हैं और वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मात्र एक रुपए की पर्ची बनने के बाद आपका पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। दूसरा, आपको मेडिसिन भी वहीं से मिल रही है। सरकार खर्च कर रही है, नहीं कर रही है भाई? कंपनी थोड़ी सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देके जा रही है, पर सरकार उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं ले रही, उन्हें पैसा दे रही पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। बिल्कुल, यहाँ पर गवर्नमेंट का दोनों तरफ से एक्सपेंस हुआ है, नहीं हुआ? दूसरी चीज आगे बढ़ाइए इसको जरा। और जब हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये गुरुद्वारे हुए, मंदिर हुई, मस्जिद हुई, गिरजाघर हुए, ये लोग भी टाइम टू टाइम चीजों को कंज्यूम करते हैं। कभी कभी ये लोग सोशल वेलफेयर के लिए कुछ चैरिटीज चला देते हैं, ट्रस्ट चल रहे हैं, ये कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे होंगे ना इकॉनमी में भाई, विदाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बच्चे, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? देखिए, जब कहीं पर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाए फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, पैसा प्रॉफिट कमाने की मानसिकता हो, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें और अपने कैपिटल को बढ़ाएं। क्यों? कि इंसान जहां इन्वेस्ट करता है वो ये सोच के करता है कि मुझे यहाँ से एक रेगुलर रिटर्न मिलेगा, हाँ या ना। देखिए दूसरी चीज क्या कह रहा है, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो डिफाइन एज कैपिटल फॉर्मेशन। आगे क्या कह रहा है बच्चा, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी एज होल, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी कैपिटल गुड प्रोड्यूस की जा रही हैं, वह सभी हमारी इन्वेस्टमेंट की तरीके देखी जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, जब कंपनी शुरू करी, एक बड़ा सा लैंड खरीदा ऑफिस बनाने के लिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, बड़े बड़े प्लांट एस्टेब्लिश किए गए, है ना, सब जगह कंप्यूटर्स लगाए, केबिन्स में जितने एम्प्लॉई होंगे सबको उनका पर्सनल डेस्क दिया, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने ऑफिस का हमने डेवलप किया, ये हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हम बार बार ऑफिस नहीं चेंज करते घूमेंगे, या बार बार ऐसा नहीं कि हम मशीनें हर बार प्रोडक्शन के लिए नई मशीन खरीदेंगे। जब हमारा माइंड सेट है कि मुझे इस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए जो जो बेसिक चीज़ों की जरूरत है वो सभी मैं पहले प्रिक्योर करके रख लूंगा। इसके बाद फिर अगर हम बात करें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप कितना इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं। जैसे गारमेंट्स की कंपनियां हैं, ये सभी कपड़े सिलती हैं, तो अब बताओ इनको क्या पता क्या इनका डबल एक्सल साइज बिके ना बिके, क्या इनका ट्रिपल एक्सल साइज बिके या ना बिके, लेकिन ये लोग स्टॉक को मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री तो इन्वेस्ट करते हैं। तो अब जैसे आप लोग मिंत्रा पे या फ्लिपकार्ट पे कहीं ना कहीं शॉपिंग करते रहते हैं, अब आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट के साइज बहुत लिमिटेड अवेलेबल होते हैं। जैसे आप कोई हुडी देख रहे हैं, या हेयर एंड देयर एक कंपनी है, कुकन प्रूफ एक कंपनी है, है ना, मिंत्रा पे है, आप उसका कोई स्वेटर पसंद किया या कोई टी शर्ट पसंद करी, एल एम एस, ये तीन साइज सबसे ज्यादा मिल जाते हैं मुझे, लेकिन इसमें डबल एक्सल या ट्रिपल एक्सल बहुत कम मिलता है। जो कंपनी सोचती है ट्रिपल एक्सल साइज वाले बहुत कम ही लोग होंगे जो ये हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहेंगे, तो इनमें इन्वेंट्री भी ज्यादा मिलते नहीं करते, लेकिन एस एल एम इन तीन स्टॉक पे इन्वेंट्री में ज्यादा खर्चा किया जाता है। तो आप कितना अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करने में खर्च कर रहे हैं, कितना स्टॉक लेवल किस साइज का मेंटेन करना चाह रहे हैं, ये आपका आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखिए आगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, एग्जांपल लाइक बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर 2020, अ प्रोड्यूसर हैज स्टॉक ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ द ईयर ही सेट स्टॉक ऑफ मशीन टू द 10, मतलब पहले कम थी फिर ज्यादा बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट करी या नहीं करी फिक्स्ड एसेट पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब हम बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, आपका ईयर शुरू हुआ, आपके पास ओपनिंग स्टॉक 1,40,000 का पड़ा है,
पर जब ईयर खत्म हुआ आपका क्लोजिंग स्टॉक 2,60,000 का है, तो आपने कितना इन्वेंट्रीज में इन्वेस्ट किया? इतिहास में ही कुछ ना कुछ बीच में बेचा भी होगा। क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला पढ़ाया नहीं पढ़ा अकाउंट में? सेम उसी तरीके से क्या कह रहा है बच्चा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। प्रोड्यूसर गोल्ड स्टॉक, फिनिश गुड, सेमी फिनिश और रॉ मटेरियल। देखिए गुड तीन तरीके से प्रोड्यूसर होल्ड करता है। कभी कभी ज्यादातर प्रोड्यूसर सोचते हैं कि हम रॉ मटेरियल स्टॉक है, नहीं क्योंकि अगर रॉ मटेरियल के प्राइस में चेंजेस आए तो हमारे प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड सेमी फिनिश क्या होती है, उनको हाफ बना के रख लिया है, बाकी हाफ बाद में, जिसे हम कहते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है? आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑप्सोलेंस। ऑप्सोलेंस का मतलब क्या होता है, चीजें ऑब्सोल्यूट हो जाती है, जैसे ऑब्सोलेट का मतलब बेकार हो गई, उनका लाइफ स्पैन खत्म हो गया। अब क्या होता है, कंपनी एक एक्सपेक्टेड मान के चलती है कि हर साल इतना आइटम ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, और कभी कभी उससे कम होता है, कभी कभी उससे ज्यादा होता है। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है, इट इज एसेंशियल टू नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड और फोर्सीन अन ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन। यानी आप सड़क पर जा रहे हैं, आप मान सकते हैं कि आपका पैर फिसल जाए, है ना, लेकिन आप ये नहीं मान के चलोगे आप सड़क पर जा रहे हो और आपको ट्रक उगा के चला रहे, वो अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है, हाँ फिसल सकते हैं, बारिश का मौसम है इसलिए चप्पल थोड़ी सही भी पहन के जाए, लेकिन ये थोड़ी सोचो कि आके ट्रक को चल के चला जाए, सोचो वो तो। ऐसी चीजों की यहाँ पर बात हो रही है, क्या लॉस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दीज बिकम ऑब्सोल्यूट आउटडेटेड और चेंजिंग टेक्नोलॉजी। मान लीजिए मैं पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूँ, अब आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है ना, मेरे पास i3 लैपटॉप है, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आगे i5 आ गया, i7 आ गया, है ना, i10 आ गया है, आज समय तो 11 जनरेशन चल रहा है, तो मेरा वाला जो है वो आज के समय की कैपेबिलिटी में मैच नहीं होगा, कंपेटिबल नहीं है, वो हो चुका ऑब्सोलीट। लोग i3 भी खरीदते हैं लेकिन आज के करंट सिनेरियो में देखा जाए जैसे जैसे आईफोन है, 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 में उन्होंने और अपग्रेड किया या नहीं किया, वो आज की नीड, आज की यूथ की डिमांड को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से उसमें फीचर्स उन्होंने डाले गए। तो ये है आपका एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। लॉस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दीज बिकम ऑब्सोलीट आउटडेटेड ओइंग टू द चेंज इन डिमांड। क्या यहाँ पर टेक्नोलॉजी से और यहाँ पर डिमांड से बात करें, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस अकर गोइंग टू द नेचुरल क्लाइमेट। अब हम क्या सोच रहे थे कि टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए तो उस टेक्नोलॉजी की डिमांड कम हो जाए, तो समझ आ रहा, लेकिन हमने कहीं ये नहीं सोचा कि अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, है या नहीं, या मान लो हमारे क्षेत्र में ज्वालामुखी फट गया, कहीं ज्वालामुखी थाने पर अचानक से फट गया, लावा बहने लगा, सब कुछ तहस नहस हो गया, वहां से लोग भागने लगे, अचानक से मानसून इतना भीषण आ गया कि कोई चक्रवात आके हमारे एरिया में टकराने वाला है, बहुत तहस नहस होने वाली है, ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, देखिए एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपसे मैं अभी पूछूं कि आपकी जेब में कितने रुपए पड़े हैं, कमेंट में बताइएगा जरा, है ना, ये आपका स्टॉक है। क्या है? स्टॉक। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पिछले एक महीने में कितने रुपए खर्च किए, ये आपका फ्लो है। स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बट फ्लो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक एक इमीडिएट पॉइंट की बात होती है, पर फ्लो एक पर्टिकुलर अंतराल के लिए, एक पीरियड के लिए लिया जाता है, तो डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हुए, स्टॉक एंड फ्लो में क्या कह रहा है, वेल्थ स्टॉक है पर इनकम फ्लो है। आपके पास अभी कितनी वेल्थ है? मैंने कहा मेरे पास 575 करोड़, भैया आईटी वाले दूर है ना, है नहीं, बल रहा 575 करोड़ रुपए की मेरी नेट वेल्थ, ये मेरी वेल्थ है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है बढ़ भी सकती है और हो सकता है घट भी सकती है। जैसे अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें मिस्टर अडानी जी आए थे, रजत शर्मा के शो में, है ना, इंडिया टीवी पर आता है, उनसे पूछा कि आप हर घंटे 1,000-2,000 करोड़ रुपए की अपनी वेल्थ में इजाफा कर रहे हैं। तो अभी मैंने जब आपका डाटा देखा तो आपकी वेल्थ एक पर्टिकुलर थी, अब हो सकता है जितने मैं बात करूँ आपने 2,000-3,000 करोड़ और अपनी वेल्थ में एड ऑन कर लिए हो। जो इमीडिएट है वो स्टॉक है, और जब हम पूरे
एक साल की बात करें कि कितने साल भर में अडानी जी ने कितनी अपनी वेल्थ में इजाफा किया, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंसी बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। जैसे मान लो एक बैंक है, बैंक के पास एक समय में 1 जनवरी 2023 को बैंक के पास 500 करोड़ रुपए हैं। वो 500 करोड़ बैंक का स्टॉक है, क्या है? स्टॉक। और बैंक के पास डेली 2000 रुपए एक आदमी डिपॉजिट करता जा रहा है पिछले 25 सालों से, ये एक फ्लो है। और वहीं एक आदमी बैंक से हर रोज या हर महीने 1000 रुपए निकालता जा रहा है, ये भी बैंक का फ्लो है। स्टॉक और फ्लो क्लियर है, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख भी पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी में 4 सेक्टर हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में किसकी बात की जाती है? इट इंक्लूड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है बात? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड। अब प्रोडक्शन के लिए हमें जमीन चाहिए, वो कहाँ से लेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर से तो मिलेगी, है या नहीं? आप कहीं से जमीन खरीदोगे तो बेचेगा, वो हाउस होल्ड सेक्टर में आएगा। दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, कौन सा आता है? सेकेंड नंबर पे आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। इट इंक्लूड ऑल द प्रोडक्शन यूनिट फॉर्म इन द इकोनॉमी। और थर्ड नंबर पे आता है बच्चे गवर्नमेंट। कौन आता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर क्या है? इट इंक्लूड गवर्नमेंट एज वेलफेयर एजेंसी एंड गवर्नमेंट एज प्रोड्यूसर। आपको पता है जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय सरकार प्राइवेट कंपनियों को बहुत सेकेंडरी रोल देती थी और प्राइमरी रोल पब्लिक कंपनियों को दिया जाता था। मतलब वह उस समय भैया पिन से लेके प्लेन तक और ब्रेड से लेके बटर तक हर चीज में सरकार का इन्वॉल्वमेंट था। जैसे पाकिस्तान में वहां की आर्मी का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। आपको बताऊं कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान में मुरमुरे जो लैया होती वो तक मैन्युफैक्चर करती है। सोचिए आर्मी को ये करना पड़ रहा है तो उनकी इकोनॉमी की क्या हालत होगी। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है द एक्सटर्नल सेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम ROI भी कहते हैं। ROW पर क्या कहते हैं? ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए अब हम डिस्कस करते हैं इंटरसेक्टोरियल फ्लो। बच्चे क्या होता है इंटरसेक्टोरियल फ्लो? जब एक सेक्टर, हमने 4 सेक्टर की बात करी, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और एक्सटर्नल सेक्टर जिसे हम कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब ये कहीं ना कहीं किसी एक दूसरे पे निर्भर रहे, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे, दूसरा सेक्टर किसी और सेक्टर पे, इसको कहा जाता है इंटरसेक्टोरियल फ्लो। जरा देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। ई सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड ऑन द अनदर इन वन वे और अनदर वे, एक तरीके से या किसी दूसरे तरीके से निर्भर रहता है। दिस कॉल्ड इंटरसेक्टोरियल इंटरडिपेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन, हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर। देखिए हाउस होल्ड सेक्टर को जो कंज्यूमर गुड चाहिए वो कौन प्रोड्यूस करके दे रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर। अच्छा, प्रोड्यूसर सेक्टर को जो लैंड चाहिए, जो लेबर चाहिए, वो कहां से ले रहा है? इससे हाउस होल्ड सेक्टर से। दूसरी चीज, अगर यहाँ गवर्नमेंट आ जाए, बेटा हाउस होल्ड सेक्टर अपनी इनकम पर टैक्स किसको पे करता है? गवर्नमेंट को। हाउस होल्ड सेक्टर के वेलफेयर के लिए पुलिस, रोड, रेलवे, ये सब कौन बनाता है? किसको? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सब गवर्नमेंट कर रही है, नहीं कर रही है? IAS, IPS इन सबको पैसा दिया रहा है, हम लोगों के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहे, सब गवर्नमेंट का खर्चा है। प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है ऑन द बिहाफ। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे लाइसेंस देना, इंडस्ट्री लगाने की परमिशन देना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, जिस एरिया में वहां पर प्रोड्यूसर सेक्टर अपनी फर्म को खोलना चाहता है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, कनेक्टिविटी, रोडवेज, रेलवे सब डेवलप करना, सब कहीं ना कहीं निर्भर है या नहीं, इसी को कहा जाता है इंटरसेक्टोरियल फ्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दो तरीके का होता है, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो में हम मनी की बात नहीं करते। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को लेबर, लैंड एक्सेट्रा चीजें प्रोवाइड कराई, तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने बदले में इनको पेमेंट करी। तो जो पहली सेक्टर है ना, जरा देखिएगा नीचे अभी आपको एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू दिखा। जरा बच्चे इसको ध्यान से देखिए, एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू समझते क्या हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रियल फ्लो की। किसकी? रियल फ्लो। देखिए क्या
हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर ऑफ सर्विस प्रोवाइड करी प्रोड्यूसर सेक्टर को, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, रेंटेड हाउस होल्ड प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा, और बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या करा, प्रोड्यूस गुड्स एंड सोल्ड टू दी फर्म, सोल्ड बाय द फर्म। प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या करा, गुड्स बना के हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड कराई, कोई दिक्कत। ये था रियल फ्लो, क्या था रियल फ्लो, यहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर इसी में मनी इन्वॉल्व हो जाए, क्या नीचे देखते हैं, जैसे यहां पर क्या, जब हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को लैंड वगैरह प्रोवाइड किया, तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को उनकी पेमेंट दी। ऑन दी अदर हैंड, जब हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स खरीदी, तो उस गुड्स की पेमेंट करी, उस गुड्स पे एक्सपेंडिचर करा, तो यहां पर मनी इन्वॉल्व हुई या नहीं हुई। तो रियल फ्लो में जब हम रिसोर्स या गुड्स या सर्विस का आदान प्रदान करें, और जब उन सर्विसेज की पेमेंट या उन फैक्टर्स की पेमेंट हमें मिले, तो वो मनी फ्लो में आ जाता है, कोई दिक्कत। ये था टू सेक्टोरियल फ्लो, मतलब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। अभी थ्री सेक्टर में जब हम चलेंगे, तो इसी में इंटरवेन कर जाएगी गवर्नमेंट। कौन देखिए, अब रियल फ्लो और मनी फ्लो को एक साथ कंबाइन रूप से समझा जाए, क्या प्रोड्यूसर फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर। बच्चे हाउस होल्ड सेक्टर ने इनको क्या प्रोवाइड कराई, सर्विसेज प्रोवाइड कराई, क्या प्रोवाइड कराई, सर्विसेज। तो बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने उस सर्विस की इनको पेमेंट करी, रेंट के रूप में, लेबर की वेजेस सैलरी, किसी भी रूप में। दूसरा, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड कराया क्या, गुड, फिनिश गुड, और बदले में हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करी किनकी, फैक्टर ऑफ गुड की। अगर हम ब्रेड खरीद के ला रहे, तो उसकी पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, क्लियर है। ये था टू सेक्टोरियल फ्लो, क्लियर। आगे बढ़िए, इसके बाद अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल। जो हमने अभी मॉडल पढ़ा, उसके सिग्निफिकेंस क्या थे। तो सबसे पहला, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बच्चे इसके मॉडल से हम नेशनल इनकम का एस्टिमेट निकाल सकते हैं। और सेकेंडली, नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरियल इंटरडिपेंडेंसी। क्या कह रहे बच्चे, अ सर्कुलर फ्लो मॉडल हेल्प टू अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंसी अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। वी लर्न हाउ कंज्यूमर आर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर एंड वाइस वर्सा। बच्चे इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और हमारा एक बेसिक चैप्टर है सम कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, वो खत्म हो जाता है। अब हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, जिसमें डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम और इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूलाज। तब के लिए थैंक यू, चैनल को ऐसे प्यार देते रहिए। हम लोग 1200 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से आपको धन्यवाद। ऐसे ही बच्चों अपना प्यार देते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जितना ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में हो सकता है। अपने जो कॉमर्स वाले हैं, बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको वीडियो के लिंक शेयर कीजिए कि भाई इकोनॉमिक्स के लिए एक रुपये भी बाहर पूछने की जरूरत नहीं। अगर साल भर नहीं भी पढ़ा है, अभी भी गारंटी दे रहा हूँ इकोनॉमिक्स में पास अच्छे नंबरों से हो जाओगे, अगर पूरी वीडियोस कॉन्टिन्यूटी में देखते चले गए। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, इसकी गारंटी ले रही है, पर रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ते रहेंगे, ये प्रॉमिस आपको करना है। कहाँ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। बाय बाय।